हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के व्लॉग में हम आपको बनाकर दिखाएंगे लोकल राइस केक, जो कि है स्टिकी राइस और सिसमे सीड से बना हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सिसमे सीड्स यानी कि तिल, उसे थोड़ा हल्के से गर्म करके उसके बाद हम इसे गर्मा गर्म पीसेंगे। ये गर्मा गर्म पीसना ही सबसे बढ़िया होता है। तो इसे हम पीस कर चटनी बना देंगे। इसे तब तक पीसेंगे जब तक ये चटनी नहीं बन जाता। उसके बाद हम लेंगे चावल, जो कि है स्टिकी राइस। इसे हम एक कुकर में बनाएंगे, जबकि हम इसे एक लोकल बर्तन यूज़ करते हैं इसे बनाने के लिए, पर हम इसे कुकर में बनाने वाले हैं। वेलकम टू आवर बिग चैनल। किसे हम लोग खाओ पक बनाते हैं, देखो। Look how making a cow pop. First, there is stomping, and then doing like this. It's my sister. It's my mommy. It's my mossy. It's my mossy. And where are you? It's me here. Bah. इसको पीस कर कुछ ऐसे बन जाता है। तो अभी हमारा तिल भी पीस कर हो गया है, चावल भी पक कर हो गया है। अभी हमें दोनों को मिक्स करके पीसना होगा। वाओ, ये जला वाला खाने बहुत मजा है। तो यहाँ पर दीदी कहानी बता रहे थे कि हमारे ट्राइब के सोल्जर पुराने जमाने में इसी राइस केक को अपने बदन पर लपेट कर वार पर जाते थे। इनसे इनका दो फायदा होता था कि राइस केक के वजह से गोली उनके बदन को छू नहीं पाती थी, और दूसरा, जब भी उन्हें भूख लगता था तो अपने बदन से निकाल कर वो खा लेते थे। ट्राई करके खाएगा, इसको धूप में भी सुखाना होता है। ये है लोकल राइस केक। ये है राइस केक। जो भी खाना जल गया था उसको चटनी बनाकर खा रहे हैं। बदन जैसा वैसे खुल रही है। मुझे भी करना, मैं क्या नमक सुना को मैं दिखा दूँ। मिर्ची बस क्या दिए हो, इसको ऐसे लो। खाना नहीं खाना, टूटता भी तो नहीं है। हाँ। एक मिर्ची के साथ ये माउंट एवरेस्ट जल गया, उसको तोड़ के आलू चटनी के साथ मिला के। इसको अभी पीस पीस करके ऐसा हो गया। अभी करते हैं फ्राई। चलिए